केंद्र 15 मार्च तक भुगतान करे वन रैंक वन पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट। कंझावला केस के 6 आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। क्या है पूरी खबर सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। केंद्र 15 मार्च तक भुगतान करे वन रैंक वन पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट। वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी नीति के तहत पेंशन के भुगतान को लेकर भारतीय पूर्व सैनिकों द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ये सुनिश्चित करने को कहा कि ओआरओपी के सभी बकाए के भुगतान का काम तेजी से हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 मार्च तक भुगतान किया जाए। दरअसल ओआरओपी का भुगतान सशस्त्र बलों के उन कर्मियों को किया जाता है जो समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक पर सेवानिवृत्त होते हैं, भले ही उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो। 25 लाख पेंशन भोगी हैं। लिस्ट अंतिम स्क्रीनिंग के लिए मंत्रालय के पास आ गई है और ये रक्षा मंत्रालय की फाइनेंस शाखा के पास है। कंझावला केस के 6 आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली के कंझावला हिट एंड रन केस के सभी आरोपियों को सोमवार को रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया। रोहिणी कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने आरोपियों का कथित तौर पर बचाव करने वाले मामले के एक अन्य आरोपी अंकुश खन्ना को शनिवार को जमानत दे दी थी। पुलिस ने इस मामले में पहले दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल को गिरफ्तार किया था। बाद में आशुतोष और अंकुश खन्ना को गिरफ्तार किया गया था। इस बीच आरोपी आशुतोष ने आज जमानत याचिका लगाई है। उसकी जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी। मैंने कई महान क्रिकेटर्स को देखा है, लेकिन वो अनोखे हैं। इस बल्लेबाज को लेकर कपिल देव का बड़ा बयान। भारत को पहला वर्ल्ड कप जिताने वाले दिग्गज ऑलराउंडर कपिल देव को लगता है कि भारत के एक मौजूदा बल्लेबाज ने भी क्रिकेट के सभी परिभाषाओं को बदल कर रख दिया है। इस क्रिकेटर का नाम है सूर्य कुमार यादव। श्रीलंका के खिलाफ सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में सीरीज के तीसरे और अंतिम T20 मैच में सूर्य कुमार ने 51 गेंदों पर 112 रनों की तूफानी पारी खेली थी। इसकी बदौलत भारत ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे T20 में 228 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। 1983 के विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव ने कहा कि सूर्य कुमार की तारीफ करने के लिए उनके पास शब्द नहीं है। इसके अलावा कपिल ने उनकी तुलना सचिन, रिचर्ड्स, कोहली और रिकी पोंटिंग जैसे दिग्गजों से की। इस खबर पर आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी तरह की दूसरी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।